अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब भाजपा नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में भाजपा सांसद और विधानसभा चुनाव लड़े अनूप मिश्रा का नाम भी जुड़ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे अनूप मिश्रा ने इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का ठिकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की हार नहीं हुई बल्कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने पार्टी को हरवाया है, जिसे अब हम दूर कर रहे हैं। नाराजगी ने मतलब फिर आप सुन रहे हैं, वो नाराजगी निकालने का काम ही तो किया है मैंने। उसी में तो जो विष निकला या उन्होंने जो कुछ कहा उसे अपने कंठ में धारण कर रहा हूँ और फिर उन्हें काम पे लगा रहा हूँ। मेरा काम ही है संगठन को आगे बढ़ाना है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी, कार्यकर्ता के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। वहीं मिश्रा के अलावा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने इस बार प्रदेश में भाजपा की हार की वजह पार्टी के बड़े नेताओं को बताया है। इंदौर में हुए कार्यक्रम में भाजपा नेता जीतू जिराती ने कहा कि राहुल गांधी एक मंदबुद्धि नेता हैं, लेकिन उनका नाम लेकर भाजपा के नेताओं ने ही उन्हें बड़ा बना दिया। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को अभी मैं हर मामले में देखता हूँ। राहुल गांधी क्यों राहुल गांधी भैया? हम अपनी बात करें, राहुल गांधी सच में एक मंदबुद्धि टाइप का एक लड़का था। जबरदस्ती उसको अपने समकक्ष कहा। नरेंद्र मोदी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इतना बड़ा आदमकद प्रतिमा का धनी वो व्यक्ति, और इन्होंने इसके बारे में चिल्ला के राहुल गांधी उस अदने से को इतना बड़ा कर दिया कि वो आज हमारी टक्कर में खड़ा हो गया। प्रियंका गांधी को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया। सारे लोग पता नहीं किस किस तरह की कमेंट्स उनके बारे में करने लगे। भैया क्या लेना देना वो प्रियंका गांधी को बनाए, चाहे वापस जीवित करके फुलन देवी को बना दे, अपने को क्या लेना देना। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं के बयान लगातार अपनी ही पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में हुई हार की मंत्रणा हर नेता अपने अपने तरीके से कर रहा है। अब देखना होगा कि इस हार के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं की जुबान पर किस तरह लगाम लगाती है। स्पेशल रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।